सो हे गाइज, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो ऑन द चैनल। मेरा नाम है हर्षवर्धन और आज की इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ GTA San Andreas एंड्रॉइड के लिए पिंक ट्रीज वेजिटेशन मोड। गाइज, मोड का साइज बहुत कम है और गाइज मोड बहुत ही ज्यादा शानदार है। अगर आपको GTA San Andreas में ट्रीज इंस्टॉल करना पसंद है तो गाइज आप प्लीज एक बार इन ट्रीज को अपनी GTA San Andreas में जरूर इंस्टॉल करिएगा। गाइज, आपको इस वेजिटेशन में पिंक ट्रीज के साथ साथ आपको इसमें मिल जाते हैं ग्रीन ट्रीज भी। गाइस, इस मोड का साइज है सिर्फ और सिर्फ 11 MB, तो आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, एक बात का गाइस आप और ध्यान रखिएगा कि ये जो ट्रीज है गाइस, ये आपको हर जगह पर नहीं मिलेंगे। गाइस, ये आपको कुछ कुछ जगह पर मिलेंगे और वो जगह कौन सी है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। सो गाइस, अब हम आ जाते हैं इस मोड की इंस्टॉलेशन पर। उससे पहले गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और पास के बेल आइकन पर क्लिक करिए और ऑल के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे गाइज अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। सो गाइज, अब आपको टोटल 4 चीजें डाउनलोड करनी है। पहली है मॉड की फाइल, दूसरा है जेड आर्चीवर, थर्ड है GTMG टूल एंड फोर्थ है TXD टूल। तो गाइज, मॉड की फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और गाइज बाकी की 3 एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। सो गाइज, आप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दीजिएगा और मॉड की फाइल को मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से। सो गाइज, फाइल को डाउनलोड कर लेने के बाद अब आपको जेड आर्चीवर एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। सो गाइज, जेड अचीवर एप्लीकेशन को ओपन कर देने के बाद आपको यहाँ पर मॉड की फाइल पर एक बार सिंपली क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन एक्सट्रैक्ट हेयर। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। तो गाइज मैं अभी यहाँ पर पासवर्ड डाल रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। गाइज, मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया है तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। गाइस, हमारे यहाँ पर फाइल बिना किसी दिक्कत के साथ एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब गाइस, आपको GTMG टूल एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। सो गाइस, GTMG टूल एप्लीकेशन ओपन कर देने के बाद गाइस आपको यहाँ पर जो ओपन MG का बटन है गाइस, आपको इस पर क्लिक करना है। अब गाइस, आपको जाना है एंड्रॉयड के फोल्डर में। अब गाइस, आपको जाना है डेटा फोल्डर में। अब गाइस, यहाँ पर com.rockstargames.gtsa फोल्डर, फाइल्स TEXDB और यहाँ पर गाइस आपको GTA3.img को सेलेक्ट कर लेना है। अब गाइस, यहाँ पर जो भी लोग GTA San Andreas का लाइट वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो तो गाइस GTA3.img को ईजिली सेलेक्ट कर लेंगे, बट गाइस यहाँ पर जो भी लोग GTA San Andreas का फुल वर्जन यूज़ कर रहे हैं उनमें से बहुत से लोगों को पता नहीं है कि GTA3.img कैसे लें। तो मैंने इस टॉपिक पर एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। मैंने उस वीडियो में आपको बताया कि आप कैसे GTA3.img ले सकते हैं। तो गाइस, मैं उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ऐड फाइल्स विद रिप्लेस, अब आपको इस पर क्लिक करना है। अब गाइस आपको यहाँ से सिंपली बैक आ जाना है। अब गाइस आपको उस फोल्डर में जाना है जहाँ पर आपने मॉड की फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था। अब गाइस आपको यहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा पिंक ट्रीज वेजिटेशन, इसको ओपन करिए। इसके अंदर गाइस आपको 3 फोल्डर मिलेंगे। तो गाइस सबसे टॉप पे जो फोल्डर है DFF, इसको ओपन करिए। इसके अंदर गाइस आपको 2 DFF फाइल्स मिलेंगे। तो गाइस आपको इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस आपको फिर से 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से रीबिल्ड। अब गाइस आपको TXD टूल एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। TXD टूल एप्लीकेशन को ओपन कर देने के बाद गाइस आपको यहाँ पर जो फाइल का आइकन है आपको इस पर क्लिक करना है। अब गाइस मैं आपको यहाँ पर एक बार बैक आके दिखा देता हूँ, एक मिनट। अब गाइस आपको जाना है अपने एंड्रॉयड के फोल्डर में। अब गाइस आपको जाना है डेटा फोल्डर में। अब गाइस यहाँ पर com.rockstargames.gtsa फोल्डर, अब गाइस फाइल्स TEXDB और गाइस यहाँ पर आपको याद से GTA3.txt को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर जो प्लस का आइकन है आपको इस पर क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन फ्रॉम इमेजेस। अब गाइस यहाँ पर जो सबसे टॉप में दिया हुआ है विथ अल्फा, गाइस आपको इस पर क्लिक करना है। अब गाइस आपको उस फोल्डर में जाना है जहाँ पर आपने मॉड की फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था। अब गाइस यहाँ पर जो फोल्डर है पिंक ट्रीज, आपको इसको ओपन करना है। इसके अंदर गाइस जो सेकंड फोल्डर है विथ अल्फा, इसको ओपन करिए। और गाइस इसके अंदर आपको सारे ट्रीज के टेक्सचर्स मिल जाएंगे, इन सबको सेलेक्ट ऑल कर दीजिए। और गाइस यहाँ पर जरा आप सेटिंग देख लीजिए, जस्ट ऐड से आप ओवर ऐड कर दीजिए। और गाइस यहाँ पर रिड्यूस टेक्सचर साइज गाइस आप अपने हिसाब से रख लीजिए कि आपका डिवाइस मतलब इतना सपोर्ट कर सकता है।
गाइस मेरे हिसाब से यहाँ पर 5.2 क्वालिटी एकदम परफेक्ट है। उसके बाद आपको ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। अब गाइस हमारे यहाँ पर टेक्सचर्स इम्पोर्ट हो रहे हैं। सो गाइस हमारे यहाँ पर सारे टेक्सचर्स इंपोर्ट हो गए हैं। तो गाइस अब आपको फिर से यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है फ्रॉम इमेजेस। अब गाइस यहाँ पर सेकंड ऑप्शन विदाउट अल्फा। अब गाइस आपको यहाँ से बैक आ जाना है और गाइस यहाँ पर जो थर्ड फोल्डर है विदाउट अल्फा, इसको ओपन करिए। अब गाइस आपको फिर से यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर देना है और गाइस यहाँ पर आपको सेम सेटिंग्स अप्लाई करनी है और ओके। सो गाइस हमारे यहाँ पर इंस्टॉलेशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो गाइस अब आप अपने गेम को ओपन करिए। सो गाइस उसके बाद आप जैसे ही अपने गेम को ओपन करोगे तो आपको गेम में अपने ट्रीज इंस्टॉल ही मिल जाएंगे। अब गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा ट्रीज कहाँ पर मिलेंगे। तो आप जो अभी स्क्रीन पर मैप देख रहे हो, इस मैप में मैंने आपको हाईलाइट करके वो लोकेशन बता दी है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ट्रीज मिलेंगी। तो गाइस आप इस मैप का अभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। गाइस आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है और गाइस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज गाइस इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। गाइस मैंने अपने YouTube चैनल पर और भी GTA San Andreas के अच्छे अच्छे मोड्स अपलोड करके रखे हैं, आप एक बार जाकर उन सभी को जरूर चेकआउट करिएगा। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इस मोड को एंजॉय करें। बाय बाय।